चिड़िया किसी करंट वायर पर बैठी हुई आपने देखी होगी, पर उसको कोई करंट नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है, यही आज हम जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिक वायर से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। यही करंट इतना ज्यादा होता है कि एक हाथी को मार दे। हाथी को थॉमस एडिसन ने 6600 वोल्ट का करंट देकर मार दिया था। एडिसन ने बहुत सारे बेजुबान जानवरों को मारा सिर्फ निकोला टेस्ला के एसी करंट बिजनेस को खत्म करने के लिए, पर उनकी ये स्ट्रेटजी काम नहीं आई, क्योंकि एसी को बहुत दूर दूर तक ले जाया जा सकता था पर डीसी करंट को नहीं। इसलिए लोगों ने एसी को एक्सेप्ट किया क्योंकि एसी के ज्यादा फायदे थे डीसी की बजाय। पर इससे ये प्रूव हो गया था कि एसी करंट बहुत ज्यादा डेंजरस है। एसी इतना डेंजरस है कि एक बड़े हाथी को आराम से मार दे, पर यह एक छोटी सी चिड़िया का कुछ ना कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? यह हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसी भी वायर से करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी बल्ब पोटेंशियल डिफरेंस के बिना ग्लो नहीं कर सकता। अगर दो वायर सेम पोटेंशियल पर है तो उनसे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। चिड़िया अगर किसी एक वायर पर बैठी हुई होती है तो उसके दोनों पैर सेम पोटेंशियल पर होते हैं। दोनों पैरों के बीच में किसी भी तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, जिस वजह से उनके शरीर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाता, और चिड़िया करंट वायर पर बैठकर भी करंट से बच जाती है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं, पर कभी कभी मौत को छूने के चक्कर में इनकी जान तक चली जाती है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। चिड़िया ने जैसे ही इस वायर को टच किया इसकी मृत्यु हो गई। इस एग्जाम्पल में जैसे ही चिड़िया ने दूसरी करंट वायर को टच किया तो उसकी चोंच और पैरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और चिड़िया की बॉडी से करंट फ्लो हो गया, जिससे चिड़िया को शॉक लगा और उसकी मौत हो गई। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस ही वजह है जिससे चिड़िया बची रहती है, पर पोटेंशियल डिफरेंस आने पर करंट फ्लो होता है और चिड़िया एक सेकेंड में मर जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल साइंस की जानकारी के बिना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हमारी जान के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए हमेशा साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल साइंस को जान के ही किया जाना चाहिए।